आपका, देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देवों के देव हैं महादेव, हर दुख को खुद पर लेकर भक्तों को भयमुक्त करने वाले हैं भोले। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाए। फिर उन्होंने उज्जैन में ब्रह्मा को राह दिखाने के लिए ना सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया, बल्कि भक्तों की बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। यकीन नहीं होता तो चलिए उज्जैन, जहां काल भैरव आज भी दिखाते हैं चमत्कार। ये देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन ना हो, ये आपको हकीकत नहीं कोई सपने जैसा लगता हो, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में हर दिन ऐसा ही चमत्कार होता है, आंखों के सामने चमत्कार। यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की मदिरा रूपी बुराई को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके हर कष्ट। फूल नहीं, फल नहीं, मदिरा से प्रसन्न होते हैं भैरव। मदिरा पान कर भक्तों के हर लेते हैं हर कष्ट। भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल जहां सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास करवाती है, जहां दूर दूर से भक्त मुश्किलों की परवाह किए बगैर चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहां होने वाले मदिरा पान के चमत्कार के साक्षी होने का। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। यूं तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, मगर काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तश्तरी में उड़ेल कर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने घटता है वो चमत्कार, जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई तश्तरी पल भर में खाली हो जाती है। शिव जी का अधिकार विष के ऊपर माना जाता है। गांजा, भांग, धतूरा तमाम जो है भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि उनका अधिकार है उसके ऊपर, न कि उनको शौक है नशा करने का। और मदिरा विष का स्वरूप मानी जाती है और शिवजी का दसवां रुद्र माने जाते हैं भैरव, तो सामान्य रूप से उनका अधिकार है इसके ऊपर। और हम अपने दुर्गुणों को भगवान के सामने छोड़ें इस भाव से यदि मदिरा प्रस्तुत की जाती है तो बहुत सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बहुत अच्छा लगा, हमने इनका बहुत नाम सुना था कि ये प्रसाद ग्रहण करते, जब हम आए तो हमने खुद देखा कि वो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर हमें, कि वो जैसे सबके कष्ट भी दूर करते हैं और हमें ऐसा फीलिंग भी आई उनके दर्शन करके, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने श्राद्ध का प्रसाद ग्रहण किया हमारे सामने ग्रहण। इसके अलावा जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वहीं जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है वो यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त सवाली होता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हरने वाले देवता। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और बड़ी दिलचस्प चीज है जो भक्तों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचती है, और वो है मंदिर परिसर में मौजूद ये दीप स्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीप मालाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वो दीप स्तंभ के दीप जरूर रोशन करवाते हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दिए जलाते हैं, जहां एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति व अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दिया जलाने की परंपरा है, तो वहीं अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा रखने वाले चमेली के तेल का दिया जलाते हैं। रुके हुए काम को पूरा करने के लिए
तेजस्विता के लिए और आकर्षण के लिए चमेली के तेल में दीपक लगाने का विधान है। ऐसे बहुत सारे तेलों का अलग अलग मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण ये जो षट कर्म है और उसके लिए अलग अलग प्रयोग है। काल भैरव के इस मंदिर में दिन में दो बार आरती होती है। एक आरती सुबह 8:30 बजे की जाती है, दूसरी आरती रात में 8:30 बजे की जाती है। महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रुनाश मनोकामना को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मराठा काल में महाजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महाजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि युद्ध में विजयी होने के बाद वो मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। काल भैरव की कृपा से महाजी सिंधिया युद्धों में विजय हासिल करते चले गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तब से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। काल भैरव का चमत्कार जितना हैरान करने वाला है उतनी ही दिलचस्प उनके उज्जैन में बसने की कहानी भी है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि वैसे तो यहाँ साल भर भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व होता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में यही कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर काल अष्टमी का इंतजार करते हैं, वहीं आम भक्त भी इस दिन उनके आगे शीश नवाकर आशीर्वाद पाना नहीं भूलते। उज्जैन, जिसे कोई कहता है मंदिरों का शहर, कोई महाकाल की नगरी तो कोई काल भैरव के भक्तों का धाम। ये शहर कई विशेषताएं अपने में समेटे हुए है। यहाँ के कण कण में बसते हैं महादेव, लेकिन काल भैरव मंदिर के बिना शहर माना जाता है अधूरा। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव ना आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा लाभ ही मिलता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। इस मंदिर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। स्कंद पुराण के मुताबिक चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया तो परेशान देवता उन्हें रोकने के लिए महादेव की शरण में गए। उनका मानना था कि सृष्टि के लिए 5वें वेद की रचना ठीक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव की भी बात नहीं मानी। कहते हैं इस बात पर शिव क्रोधित हो गए। गुस्से के कारण उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्योति ने काल भैरव का रौद्र रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड तो चूर कर दिया, लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भैरव दर दर भटके, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने आराध्य शिव की आराधना की। शिव ने उन्हें शिप्रा नदी में स्नान कर तपस्या करने को कहा। ऐसा करने पर काल भैरव को दोष से मुक्ति मिली और वो सदा के लिए उज्जैन में ही विराजमान हो गए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी दोनों के बीच में मतभेद हुआ था। ब्रह्मा जी में अहम तत्व का आविर्भाव हुआ था और उसको गर्व को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर को क्रोध आया था। उस क्रोध से ऐसा माना जाता है, कथाओं में वर्णित है ऐसा,
कि उनके नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई थी, भगवान शंकर के नेत्र से ज्वाला प्रकट हुई तीसरे नेत्र से, और वही ज्वाला को भैरव नाम संबोधन दिया गया। और उन्होंने विकट विकराल रूप था उनका, और उन्होंने ब्रह्मा जी का मस्तक काट लिया। वैसे तो काल भैरव के इस मंदिर में पैर रखते ही मन में एक अजीब सी शांति का एहसास होता है, लगता है मानो सारे दुख दूर हो गए। लेकिन काल भैरव को ग्रहों की बाधाएं दूर करने के लिए जाना जाता है। खास तौर पर जन्म कुंडली में राहु से पीड़ित होने वाला व्यक्ति विचारों के जाल में फंसा रहता है। वो अगर इस मंदिर में आकर भगवान को भोग लगाता है तो उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे काल भैरव को शिव की आराधना से मिली थी। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। भैरव, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ मदिरा के प्रसाद से ही प्रसन्न होते हैं, वो भैरव जिनके दरबार में दी जाती है बलि। लेकिन आज जिन बाबा भैरव के आप दर्शन कर रहे हैं वो सबसे अलग हैं, क्योंकि यहाँ भैरव करते हैं दूध का पान। धार दिलाती है भैरव का आशीर्वाद। भैरव जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ मदिरा के प्रसाद से ही प्रसन्न होते हैं, वो भैरव जिनके दरबार में दी जाती है बलि। लेकिन आज जिन बाबा भैरव के आप दर्शन कर रहे हैं वो सबसे अलग हैं। अनोखा है दूधिया भैरव मंदिर, दूध से प्रसन्न होते हैं भैरव। बाबा के दरबार में हर रोज इसी तरह से आरती की जाती है और फिर लगाया जाता है उन्हें दूध का भोग। दूध चढ़ाने की वजह से यहाँ भैरव को दूधिया भैरव के नाम से भी पुकारा जाता है। बाबा को दूध चढ़ाने की परंपरा द्वापर युग से शुरू हुई। कहते हैं महाभारत युद्ध के समय कुंती ने यहां आकर पूजा की और प्रसाद के रूप में दूध चढ़ाकर बाबा से दूध की लाज रखने की गुहार लगाई थी। भैरवनाथ ने भी कुंती को निराश नहीं किया और दे दिया पांडवों को विजय का वरदान। कहते हैं तभी से यहाँ बाबा को पूरी तरह से शाकाहारी प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। भर जाती है सूनी गोद, मिलता है विजय का वरदान। दिल्ली में पुराने किले के पास मौजूद दूधिया भैरव मंदिर में भक्त पहले बाबा की पूजा करते हैं और फिर मांगते हैं अपनी मुराद। कहते हैं कोई भी काम करने से पहले अगर यहां आकर पूजा कर ली जाए तो काम में सफलता अवश्य मिलती है। भैरवनाथ संतानहीनों के जीवन में खुशियों के नए रंग भी भर देते हैं। जिन्हें संतान नहीं होती उनकी गोद हरी हो जाती है और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ संतान का आशीर्वाद मिलता है। हर रविवार यहां आकर भक्त भैरव बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। जितना अद्भुत होता है पूजा का नजारा उतनी ही अनोखी होती है उसके बाद की विधि। पूजा के बाद भैरव बाबा को चढ़ाए दूध को पिलाया जाता है कौओं को। मांसाहारी कौवे यहाँ दूध पीते दिखते हैं। कहते हैं ऐसा करने से भक्तों की पूजा पूरी हो जाती है। श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपालु, करहु दया निज दास पे निष दिन दीन दयालु।
पांडव कालीन में माता कुंती द्वारा बनाए गए इस मंदिर से लोगों को बहुत आस्था है। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में पूजा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ रोहित कुमार, दिल्ली आज तक। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।